हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। दोस्तों 11 तारीख को क्या है मुझे नहीं पता, लेकिन 11 नवंबर को कंटेंट की बाढ़ सी आने वाली है। हम बात करें थिएटर्स की तो बड़ी बड़ी फिल्में क्लैश होने वाली हैं। हम बात करें ओटीटी की, चाहे वो नेटफ्लिक्स हो या फिर हो अमेजोन या फिर हो हॉटस्टार, तीनों पर ही आपको नई फिल्में देखने के लिए मिलेंगी और मिलेंगी कई सारी मच अवेटेड वेब सीरीज देखने के लिए, सबकी सब 11 नवंबर को। बट अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपने को चाहिए कंटेंट, कंटेंट इसलिए ताकि हम देख के एंजॉय कर सकें और बना सकें नए नए वीडियोज। चलिए, तो ये लिस्ट जो है ये अभी तक खत्म नहीं हुई है। रोज रोज कुछ ना कुछ नया अनाउंस हो जाता है 11 तारीख के लिए। ऐसे ही मैं कल मार्केट से घर आया तो मैंने देखा एक और मूवी 11 तारीख के लिए लिस्ट हो गई है और उसका ट्रेलर आया है। उसी ट्रेलर का रिव्यू करने वाले हैं हम। मूवी का नाम है मोनिका ओ माई डार्लिंग। तो ये जो मोनिका ओ माई डार्लिंग है, इस हम ट्रेलर की बात करें तो वसन वाला के डायरेक्शन में ये मूवी बनके तैयार हुई है। स्टार कास्ट की बात करें तो इसके अंदर राधिका आप्टे हैं, हुमा कुरैशी हैं और हैं हम सबके फेवरेट राजकुमार राव। मूवी के जॉनर की बात करें तो ये एक डार्क कॉमेडी मूवी लग रही है देखने में, क्योंकि इसके अंदर आपको कॉमेडी के साथ साथ क्राइम है, मर्डर मिस्ट्री है, सस्पेंस है, थ्रिल है, इतनी सारी चीजें आपको एक ट्रेलर से पता चल जाती हैं। ट्रेलर कहानी को रिवील नहीं करता है, लेकिन जितना मुझे समझ में आया है कि उसके अंदर जो मोनिका है, यानी जो टाइटल रोल है, वो निभाया है हुमा कुरैशी ने, जो कि एक सेक्स वर्कर लग रही है देखने में, और उनके जो कस्टमर हैं उनको वो ब्लैकमेल करती हैं सर्विसेज देने के बाद, और उन्हीं कस्टमर्स में से तीन कस्टमर्स जो कि दिख रहे हैं ट्रेलर में, वो प्लानिंग करते हैं हुमा कुरैशी के मर्डर की, और मर्डर शायद कर भी देते हैं जैसा कि ट्रेलर से पता लग रहा है। और इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए एंट्री होती है राधिका आप्टे की, जिनका कैरेक्टर भी थोड़ी बहुत कॉमेडी करता हुआ दिखाई देता है। अगर हम पूरे कलर टोन की बात करते हैं तो ट्रेलर पूरा का पूरा डार्क लगता है, अंधेरे में ज्यादातर सीन है, और ट्रेलर के पेस की बात करें तो एक फास्ट पेस ट्रेलर ये निकलकर आता है। बहुत सारे छोटे छोटे कट 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 लगाकर ये ट्रेलर बनाया गया है। बैकग्राउंड म्यूजिक की बात करें तो मोनिका ओ माई डार्लिंग ये टाइटल ट्रैक लगातार बजता रहता है, साथ ही साथ कई और पुराने गाने भी आपको ट्रेलर में देखने के लिए मिलते हैं। ओवरऑल अगर हम ट्रेलर की बात करें तो ट्रेलर इंटरेस्टिंग लग रहा है, इंटरटेनिंग लग रहा है। आपको ट्रेलर देखने के बाद ऐसी चाहत होगी कि जल्दी से जल्दी ये फिल्म आए तो हम देखें कि आखिर इसमें है क्या। तो कुल मिला के ये जो ट्रेलर है ये बहुत अच्छा ट्रेलर है, कुछ बहुत ज्यादा रिवील नहीं करता है जो भी सस्पेंस है। हाँ, इतना बता दिया है कि मर्डर हो जाता है, अब वो मर्डर की इन्वेस्टिगेशन पे ही पूरी फिल्म रन करेगी। एक फास्ट पेस मूवी ये लग रही है। हम इंतजार कर रहे हैं इस मूवी का, आप भी बताइए कि आपको ये ट्रेलर देखकर कैसा लगा। और इस वीडियो में हम यहीं तक बात करने वाले हैं, अगले वीडियो में किसी और टॉपिक पर, किसी और फिल्म या वेब सीरीज पर बात करेंगे। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, और हाँ प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आई नीड टू ग्रो, वी नीड टू ग्रो, ताकि नए नए कंटेंट को हम क्रिएट करते रहें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।